अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 4.9 का पार्ट टू है। या आज हम इसको वाइंड अप कर देंगे इस पूरे चैप्टर्स को, क्योंकि 4.9 आपके चैप्टर नंबर 4 सिक्वेंस एंड सीरीज का लास्ट चैप्टर है। ये न्यू बुक जो आपकी फर्स्ट ईयर की आई हुई सिन बोर्ड की, ओवरऑल पूरे सिन की, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। एक एक सवाल सॉल्व करवाता हूँ, अपने चैनल के अंदर अपलोड करता हूँ। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आ जाओ इसके सवाल देख लेते हैं। कुछ सवाल आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन सर्च करना होता है तो सर्च करने का तरीका क्या होता है। आपने लिखना होगा क्लास 11, ठीक है, उसके बाद लिखना होगा एक्सरसाइज। अगर आपको कोई सवाल मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो आपने क्या लिखना होगा, एक काम करता हूँ मैं सही से लिख देता हूँ, क्या करोगे आप लिखोगे क्लास 11 एक्सरसाइज जो है आपके पास, आपने वो लिखना होगा। जैसे कि आपको 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 चाहिए, ठीक है, तो आप इस तरह से लिखोगे और इसी के आगे क्या लिख दोगे, मेरे चैनल का नाम पढ़ो लर्न टुगेदर। अगर आप इस तरह से लिखोगे ना तो आपके पास फौरन से मेरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। हर सवाल मैंने सॉल्व करवा के अपने चैनल में डाला हुआ है, इसी तरह से आप उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आ जाओ आप सवाल पढ़ लेते हैं जो मेरे पास लिखा हुआ है। उसके अंदर क्या लिखा है, उसके अंदर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 तक मैंने सॉल्व करवा दिया था। इफ 5 इज डी हार्मोनिक मीन, अगर 5 हमारे पास क्या है, HM है, हार्मोनिक मीन मतलब HM, ठीक है, जो किसके बराबर है, मेरे पास 5 के बराबर है, ठीक है। बिटवीन 2 एंड b, किसके दरमियान, 2 और b के दरमियान है, फाइंड b, हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा लॉजिक सा सवाल है, अदरवाइज और कुछ इसमें खास चीज़ नहीं है। बस बोला गया है कि इसके अंदर मेरे पास क्या है, बोला जा रहा है कि मेरे पास 2 और b दिया हुआ है, मतलब a की वैल्यू 2 दी हुई है और b मेरे पास b को निकालना है, जबकि हार्मोनिक मीन जो है वो किसके बराबर है, वो मेरे पास 5 के बराबर है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन लिखने के बाद मैं लिखूँगा एच एम, ठीक है। हार्मोनिक मीन पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ एच एम लिख रहा हूँ। एच एम मेरे पास किसके बराबर है, 5 के बराबर है, ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने देखा ऊपर से ए की वैल्यू जो डी वी, वो क्या डी वी है, 2 डी वी है, क्योंकि ए प्लस बी होता है, तो बी की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं लिख दिया कि ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2, जबकि बी की वैल्यू मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, हमें इसकी वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लिखोगे हमें मालूम है, एज वी नो डैट एच एम हार्मोनिक मीन बराबर होता है 2ab + a + b, ठीक है, 2ab / a + b हार्मोनिक मीन हमारे पास इसके बराबर होता है, जबकि हार्मोनिक मीन भी हमें मालूम है किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो इस पूरे की जगह क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। देखो कितने आसान तरीके से हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब 2 लिखूंगा, यहाँ 2 लिखूंगा, a की वैल्यू हमें मालूम है क्या है, मेरे पास 2 है, तो क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, और b उसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। नीचे आ जाओ, यहाँ पे a लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, a की जगह 2 लिख दूंगा प्लस b लिख दूंगा। देखो कितना आराम तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको तकरीबन इसे सॉल्व कर लिया है। अब आगे चलते हैं, अब क्या करना होगा, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, वहां के क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 + b से, इक्वल टू का निशान, 2 से क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, मैं 4 लिख दूंगा, और उसके साथ क्या लिखा जाएगा, b लिखा जाएगा। अब तो b की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो चुका है, कैसे, ये देखो 5 2 से मेरे पास क्या हो जाएगा, 10, और 5 b से क्या हो जाएगा, 5 b, और ये 4 b वैसे ही रह जाएगा। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करता हूँ, इस 4 b को इधर ले आता हूँ और 10 को इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 5 b हो जाएगा, और 4 यहाँ आएगा तो माइनस का 4 b हो जाएगा, और ये प्लस का 10 है, इक्वल टू के बाद चले जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो 5 में वेरिएबल सेम है, तो हम लोग इसको इसे माइनस कर सकते हैं, तो देखो मेरे पास 5 में से 4 गया, तो मेरे पास कितना बचेगा, 1, तो 1 b लिखना तो मुनासिब नहीं है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ b लिख दूंगा, ठीक है, क्या लिख दूंगा, b लिख दूंगा, जो कि बराबर है किसके बराबर है, माइनस 10 के बराबर है। तो देखो कितना आसान तरीके से हमने क्या किया, हमने b की वैल्यू को निकाल दिया और हमारे पास b की वैल्यू आ भी गई। तो चलें आ जाएं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड द अल्टीमेटिक हार्मोनिक
एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 9 एंड ऑल्सो वेरीफाई AH मतलब अर्थमेटिक एंड हार्मोनिक मीन का जब प्रोडक्ट निकालोगे तो वो किसके बराबर होगा, ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के। तो ज़रा इसको देख लेते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो है आसान से सवाल, क्योंकि हमें अर्थमेटिक भी आता है, हार्मोनिक भी मालूम है और ज्योमेट्रिक भी मालूम है। कैसे? अर्थमेटिक मीन अगर निकालना है, AM निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है मेरे पास A+B/2। अगर हमें हार्मोनिक निकालना है तो HM की वैल्यू अगर निकालनी है तो वो किसके बराबर होता है? 2AB/A+B। और अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है मतलब JM निकालना है तो वो बराबर होता है +-√A/B। ठीक है, तो ये तीनों का फार्मूला है। इन तीनों के फार्मूला की वजह से हम लोग निकाल लेंगे, जबकि मुझे A और B की वैल्यू मालूम है। A की वैल्यू क्या है? 1 एंड B की वैल्यू क्या है? 9। चलो इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं किस तरह से ये वैल्यू निकलेगी। तो मैंने AM लिखा तो क्या लिखूंगा? 1+9/2। तो AM की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10/2। 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो मेरे पास AM की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। देखो कितना आसान तरीके से हमने क्या किया, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू निकाल दिया। अब HM की निकालते हैं, तो HM लिखूंगा 2 लिखूंगा। A की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1, जबकि B की वैल्यू क्या है? 9। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा? 1+9। तो क्या हो जाएगा? 1+9 हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू क्या है? 9 है। ठीक है, तो चलो आज इसको मजीद कंटिन्यूस सॉल्व करते हैं। तो 2 1s are 2, 2 9s are 18, और 18 अपॉन क्या हो जाएगा? 1+9 इज इक्वल टू 10। तो 2 5s are 10, 2 6s are 2 9s are 18। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 9s are 18 हो जाएगा। तो HM की वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 9/5, क्योंकि ये बाकी टेबल से नहीं कट रहा। तो हार्मोनिक मीन की भी वैल्यू क्या निकल जाएगी? ये निकल जाएगी। उसके बाद क्या है मेरे पास? ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए मैं क्या करूँगा? JM लिखूंगा, प्लस माइनस लिखूंगा, रूट लगाऊंगा। A की वैल्यू क्या है? 1, जबकि B की वैल्यू क्या है मेरे पास? B की वैल्यू मेरे पास 9 है, तो क्या लिखूंगा? 9 लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या कहेंगे? J और M लिखूंगा, प्लस माइनस लगाऊंगा, रूट निकालूंगा 9 का। जब 9 का रूट निकालूंगा तो मेरे पास JM की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-3। ठीक है, तो ये मेरे पास ट्रम निकल करके आ गई। ठीक है, सवाल में तीन चीज़ निकालने बोला गया था, जो कि मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया। उसके बाद लिखा हुआ है कि आपको वेरीफाई करने के AH बराबर किसके? ज्योमेट्रिक मीन के। तो आपने यहाँ पे लिखा, तो प्रूफ करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले लिखोगे नीचे टू प्रूफ। हम प्रूफ करने जा रहे हैं, क्या प्रूफ करने जा रहे हैं? AH बराबर किसके? जी स्क्वायर के। ए से अर्थमेटिक मीन, एस से हार्मोनिक मीन और जी से ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो ए की वैल्यू जरा देखो क्या आई हुई मेरे पास? 5 आई हुई, तो मैं 5 लिख दूंगा। और एच की वैल्यू क्या है मेरे पास? 9/5, तो क्या लिख दूंगा? 9/5। बल्कि एक काम करता हूँ, पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्या लिखूंगा? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास वैल्यू क्या है? ए और एच। ठीक है, जबकि ए एच की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू मेरे पास है 5, देखो 5 है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है एच से, तो एच की वैल्यू क्या है? 9/5। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया, तो मेरे पास ए एच की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। ठीक है, तो ए एच की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 9 आ गई। अब कहा जा रहा है कि आपको किसकी वैल्यू चाहिए? अब ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू देखना है आपको। आपके पास टेकिंग राइट हैंड साइड लिखोगे, क्या लिखोगे? टेकिंग राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है? जी का स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे मालूम है जी की वैल्यू क्या है। जी की वैल्यू मेरे पास है 3 है, तो क्या लिख दूंगा? 3, और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा? स्क्वायर। तो मेरे पास जी के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 3 9। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू सेम आ गई। तो इसका कहने का मकसद कैसा, कहने का मकसद है कि ए एच बराबर हो जाएगा किसके? जी के स्क्वायर के। तो हैंस प्रूफ, तो हमने क्या कर दिया, ऐसे प्रूफ कर दिया, क्योंकि ए एच की वैल्यू भी 9 है और जी के स्क्वायर की वैल्यू भी क्या है? 9 है। जब दोनों की वैल्यू 9 है तो हमारा आंसर आ गया। चलो आ जाओ इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इस पर लिखा हुआ है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 8 एंड हार्मोनिक मीन इज 6। फाइन, हमें फाइन करनी है इसकी वैल्यू को, मतलब ए एंड बी की वैल्यू फाइन करनी, जो मेरे पास ए और बी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सोल्यूशन लिखने के बाद लेट कर लूँगा, लेट ए एंड बी, ए एंड बी, बी आ बी टू नंबर्स। मेरे पास क्या है? मेरे पास ए और बी क्या है?
वो मेरे पास टू नंबर्स हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे टू और नंबर्स भी लिख देना, ठीक है। लेट कर लिया कि जो मेरे पास ए और बी है वो टू नंबर्स हैं। तो अब क्या करना होगा हमें, अब हमें देखना होगा अर्थमेटिक मीन किसके बराबर है, एट के। तो लिखूंगा ए एम मेरे पास किसके बराबर है, एट के। और मेरे पास एक और टर्म में क्या लिखा हुआ है, एच एम मेरे पास किसके बराबर है, सिक्स के, ठीक है। तो मैंने ए एम लिख दिया एट के और एच एम लिख दिया सिक्स के। हमें मालूम है ए एम किसके बराबर होता है, ए प्लस बी अपॉन टू के, जो कि बराबर है किसके, एच के। तो टू को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा एट मल्टीप्लाई बाई टू, एट टू ज़ा 16, ठीक है। 2 8 16 या 8 2 मेरे पास 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप ए की वैल्यू निकाल दो या बी की वैल्यू निकाल दो, इस टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, ए को इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 माइनस ए, ठीक है। तो ये मेरे पास एक टर्म निकली है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि हार्मोनिक मीन किसके बराबर होते हैं, हार्मोनिक मीन बराबर है 2ab अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 6, ठीक है। तो ऐसे मैंने लिख दिया इसको। अब जहाँ जहाँ मेरे पास b है ना, वहाँ वहाँ मैं क्या लिख दूंगा, मैं वहाँ लिख दूंगा 16 माइनस ए, क्या लिख दूंगा, 16 माइनस ए। तो 2 वैसे ही लिखा, a की जगह मैंने a ही रहने दिया क्योंकि a तो चेंज नहीं होगा। b की जगह क्या आ जाएगा, 16 माइनस ए, ठीक है। जहाँ b था वहाँ 16 माइनस ए लिख दिया। नीचे क्या लिखूंगा, a लिखूंगा प्लस, और यहाँ क्या लिख दूंगा, 16 माइनस ए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और 2 को जब मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी वैल्यू, उसको भी देख लेते हैं और इसकी वैल्यू को निकाल देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, 16 16 16 32 होता है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि मेरे पास क्या आ रहा है। तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 32a हो जाएगा, ठीक है। और यही 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है, 16 नीचे है तो 16 मल्टीप्लाई होगा किससे, यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ के, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 16 6 से मल्टीप्लाई होगा। अगर हम लोग 16 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, कि अगर हम लोग 16 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 96 आ रही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 32a माइनस 2a का स्क्वायर बराबर है किसके, 96 के। एक काम करता हूँ, ये माइनस में ए स्क्वायर है, मुझे ये स्क्वायर माइनस में ही चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इक्वल टू के बाद ले जाऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये इक्वल टू के बाद आया तो 2a का स्क्वायर, ये भी इक्वल टू के बाद आया तो माइनस 32a हो जाएगा, और ये इधर ही है प्लस का 96 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तमाम टर्म्स को मैं ले गया था वहाँ पे। अब क्या करना होगा मुझे, इन सब में से मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है तो क्या ले लूँगा, मैं 2 को कॉमन ले लूँगा। जैसे ही 2 को कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, a का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, 32 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ मेरे पास कितना आता है, 16 आता है। तो यहाँ बचेगा 16a प्लस, और यहाँ पे 2 से होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अगर 96 को 2 से डिवाइड करते हो तो मेरे पास क्या आता है, 48 आता है, ठीक है। अब 2 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा, नीचे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास यही टर्म आ जाएगी उठ करके। बल्कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास, a का स्क्वायर माइनस 16a, ठीक है, प्लस 48, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ के डिवाइड होगा तो मेरे पास 0 से कोई टर्म भी डिवाइड होते हैं तो 0 ही आते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो या तो मिडल टर्म ब्रेक लगा दो। मैं इसके अंदर मिडल टर्म ब्रेक लगाऊंगा, कैसे, देखो a का स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है, और मैं लिखूंगा माइनस का 12a और माइनस का ही 4 लिखूंगा, प्लस क्या लिख दूंगा, 48, ठीक है, इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 12a माइनस का 4a किसके बराबर होता है, माइनस के 16 के बराबर होता है, ठीक है, वही चीज़ आ जाएगा, मिडल टर्म ब्रेक हो गया। तो इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, a से a काटा तो मेरे पास 1a बच गया, प्लस माइनस माइनस, इस a से यह एक काटा तो क्या बचा, 12 बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना होगा, इन दोनों में से मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 काटे तो क्या बचेगा, a माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, 4 को अगर मैं 12 पढ़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों चीज फिर से कॉमन आ गए तो क्या लिखूंगा, a माइनस 12, ठीक है, और क्या चीज बच गई, a माइनस का 4, ठीक है। तो इस वाली टर्म को वैसे लिखकर 0 कर दूंगा। अब आइडर और कर देना, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको एक दफा 0 के बराबर, और a माइनस 4 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12, और जबकि a की वैल्यू क्या आ जाएगी,
माइनस फोर इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा, फोर। दो वैल्यू मेरे पास आ गई ए की। जब मेरे पास ए की दो वैल्यू आई तो जाहिर सी बात है बी की भी मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी, दो आएगी। तो वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका, इस ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे तो मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगा। तो आप क्या लिखना, लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए 12 and 4 इन इक्वेशन वन। हम इक्वेशन नंबर वन में 12 और 4 को पुट करेंगे, तो लिखता हूँ बी, लिखता हूँ बी, लिखने के बाद क्या लिखूँगा 16 माइनस ए की जगह एक दफ़ा 12 लिख देता हूँ, और एक दफ़ा वही काम करूँगा कि बी लिखूँगा 16 लिखूँगा और एक दफ़ा 4 लिख देता हूँ। तो 16 में से 12 गया तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगी, 16 में से 4 गया तो मेरे पास क्या आ गई, 12 आ गई। तो दोनों वैल्यूज़ मैंने आपको निकाल के दिखा दी, दो बी की वैल्यू आई है और दो ए की वैल्यू आई है, और इस सवाल का भी जवाब निकल गया। चलें आ जाएं इस सवाल का आखिरी, इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 24/5 and 20, आपके पास ज्योमेट्रिक मीन जो है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है, और कहा जा रहा है कि आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन लिखूंगा और लिखूंगा ज्योमेट्रिक मीन। जो ज्योमेट्रिक मीन है वो मेरे पास किसके बराबर है, मेरे पास 6 के बराबर है, ठीक है। जबकि मेरे पास हार्मोनिक मीन मतलब HM जो है वो किसके बराबर है, 24/5 के, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो चलो आ जाओ, सबसे पहले क्या लिखूँगा, ज्योमेट्रिक मीन मेरे पास किसके बराबर है, प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू मेरे पास क्या है, 6 है, मैं 6 लिख दूंगा, और यहाँ क्या लिख दूंगा, अंडर रूट ए और बी। मुझे ये वाली वैल्यू हटानी है, रूट हटाना है, तो क्या लिखूँगा, स्क्वायरिंग कर लूँगा, तो क्या लिखूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है ना, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ स्क्वायर लगा दूंगा और यहाँ पे क्या लगा दूंगा, ए बी के ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो 6 मेरे पास क्या होता है, 36 हो जाता है। प्लस माइनस का निशान हट जाएगा क्योंकि रूट हट चुकी है मेरे पास, डायरेक्ट मैंने कैंसिल आउट किया है, तो मेरे पास ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 36 आ गई एक, और एक और टर्म देखना कि मेरे पास b की वैल्यू अगर निकालना है तो 36/ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने याद रखना है, एक ab बराबर है 36 के, जबकि b बराबर है मेरे पास किसके, 3/b की वैल्यू है 36/a, ठीक है। तो चलो आ जाओ इसका आगे चलते हैं। अब हम लोग लिखेंगे HM किसके बराबर होता है, HM बराबर होता है 2ab/a+b। तो HM की वैल्यू क्या है, 24/5, जबकि 2 लिखूंगा और 30 यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह ए बी की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास 36 आ जाएगा, 36 लिख दूंगा, ठीक है, और a प्लस क्या लिख दूंगा, b लिख दूंगा। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को अगर मैं 36 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 72 आता है, क्या आता है, 72। तो यहाँ पे वैसे ही लिखा जाएगा, यहाँ पे 72/a+b, ठीक है। इक्वल टू के बाद अगर सेम वैल्यू होती है, अगर एक टेबल में आता है तो कट जाता है, अगर मैं, तो हमारे पास क्या होगा, इसको हमें सॉल्व करना होगा, 24 मेरे पास क्या होता है, 72 होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच रहा है, 1/5 इक्वल टू 3a+b लिख दिया, इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 5 3 15। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दूंगा, 1 दे दूंगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, मुझे b की वैल्यू मालूम है, b की वैल्यू क्या है, 36/a। तो लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ b किसके बराबर है, 36/a, तो क्या लिखूंगा, a वैसे ही लिखूंगा, प्लस 36/ क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 15। a को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, a का स्क्वायर प्लस 36/a=15, ठीक है। अब a को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, a का स्क्वायर प्लस 36/15 का a, ठीक है। अब क्या करना होगा, मुझे इसको एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा, तो इक्वल टू के बाद पॉजिटिव में टर्म, इसको इक्वल टू के बाद आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये तमाम काम हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि मेरे पास a की वैल्यू और b की वैल्यू निकल जाए। तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का 15a हो जाएगा और मेरे पास 36 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, प्लस का 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिर्फ 15a को इक्वल टू के बात लेकर के आया हूँ मैं। अब क्या करना होगा, हमें इसका सिंपल मिडल टर्म ब्रेक लेना होगा, और मिडल टर्म ब्रेक तो हमें लेना आता है। तो मिडल टर्म ब्रेक कैसे लेंगे, बीच वाले टर्म को ब्रेक कर देंगे, तो कैसे लिखेंगे, मैं लिखूँगा यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस 3a
और माइनस का 12 है, प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 3 में 12 प्लस करो तो 15 आता है माइनस का, और a का a है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसको कॉमन ले लो। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, a, a से a काटा तो a बचा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, इस a से ये a काटा तो क्या बचा, 3 बचा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 12 कॉमन आ रहा है, 12 से 12 काटा तो a बचा, माइनस प्लस दोबारा माइनस हो जाएगा, 12 को अगर 3 दफ़ा पढ़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 33 दफ़ा पढ़ने से आ जाएगा। अब क्या बच गया मेरे पास, a माइनस 3 और a माइनस 12 इक्वल टू 0। आइदर और कर दो, a माइनस 3 किसके बराबर हो जाएगा 0 के, और a माइनस 12 किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो a की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 3 पॉजिटिव का, और a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का a 12 हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैंने a की वैल्यू निकाल दिया, अगर b की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकलेगा, चाहो तो यहाँ पे पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू को पुट कर दो। तो क्या लिखूंगा, पुटिंग दी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, 3 एंड 12 इन इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है, ए है तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, प्लस का निशान, बी इक्वल टू 15, 3 वहां जाएगा तो मेरे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 माइनस 3, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में ही a की वैल्यू की जगह क्या लिखूं, आप 12 लिखूं, तो 12 लिखता हूं, प्लस का निशान डालता हूं, b लिखता हूं और 15 लिखता हूं, तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 माइनस 12, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 3, b की वैल्यू 3 आ गई। तो ये मैंने क्या कर दिया, इस पूरे सवाल को आपको सॉल्व करके दिखा दिया। हमारा एक्सरसाइज 4.9 चैप्टर नंबर 4 कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, एक एक सवाल को हमने सॉल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।